हेलो दोस्तों, नोटिफाइड नॉलेज में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 के बारे में। फ्रेंड, यहां पे हम आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। यहां पे आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खबर है और सभी बच्चों का करेंट स्टेटस अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे बच्चों का स्टेटस जो है अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको हम लाइव प्रूफ भी दिखाएंगे और यहाँ पे आपको हम बताएंगे अगर आपके करेंट स्टेटस में किस तरह का मतलब रीजन शो कर रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप आ चुकी होगी, आएगी या फिर नहीं आएगी। ओके, और यहाँ पे आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि कैसे आपके स्टेटस में शो होगा। तो इस बार आपकी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है, यानी कि इस बार जो है किन छात्रों की स्कॉलरशिप अब नहीं आएगी उनके पास कोई भी उम्मीद नहीं है। यहाँ पे आपको हम कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जो लोग भी नए होंगे या फिर मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल होम पेज पे विजिट कर लिया हूँ। यहाँ पे हमको अपना जो मतलब करेंट स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे हमको लॉगिन करना होगा। यहाँ पे स्टूडेंट वाला कॉर्नर है, अगर आप लोग फ्रेश होंगे तो फ्रेश लॉगिन कीजिएगा, अगर आप लोग रिन्यूअल होंगे तो रिन्यूअल लॉगिन कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लॉगिन करने के लिए आपको एक ऐसा मतलब पोर्टल ओपन हो जाएगा, होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि सर जो स्टेटस हम चेक कर रहे हैं तो वहां पे सत्र 2023-24 शो कर रहा है। देखिए, यहाँ पे उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, यहाँ पे मतलब थोड़ा सा एरर है क्योंकि आप लोग को पता है कि 2023-24 वाला फॉर्म स्कॉलरशिप का फॉर्म अभी फिलअप होना स्टार्ट नहीं हुआ है तो स्टेटस कैसे शो हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 2022-23 होना चाहिए। ओके, तो इसको आप लोग इग्नोर कीजिए, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे आप लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अपना पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल करके सबमिट पे क्लिक करके अपना करेंट स्टेटस जान सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेट, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 15/5/2023 का डेट है और 15/5/2023 के डेट में इनका जो करेंट स्टेटस क्या शो हो रहा था कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी करके शो हो रहा था। इनका जो फॉर्म है DW की तरफ से 4/3/2023 को वेरीफाई हुआ था और ये BEd जो है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, ये OBC कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ये 15 तारीख के डेट में इनके करेंट स्टेटस में शो कर रहा था। ओके, और इनका जो आज का स्टेटस है उसको भी आपको हम दिखा दे रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, आज का डेट है 20/5/2023। ओके, 20/5/2023 का डेट है ये। देखिए यहाँ पे जो है इनकी पाठ्यक्रम है BEd सेकेंड ईयर, ठीक है, और यहाँ पे ये लोग जो मतलब ये है जो है OBC कास्ट से बिलोंग करते हैं। इनका जो फॉर्म है 4/3/2023 को ही वेरीफाइड कर दिया गया था, लेकिन हमने जो आपको 15 तारीख वाला स्टेटस दिखाया था वो करेंट स्टेटस में वेरीफाइड रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी करके शो हो रहा था। लेकिन आज के डेट में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप आप रुपए 6,360 एंड फीस रिबर्समेंट आप रुपए 25,000 डिसबर्स इन योर आधार बेस्ड बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये वाला रीजन कर रहा है, ठीक है। आपको हम पहले बता दें इनकी जो स्कॉलरशिप है ये 31 मार्च को ही आ गई थी, लेकिन इनका जो स्टेटस है अभी को मतलब 20 तारीख के डेट में अपडेट हुआ है। तो जिन भी छात्रों के करेंट स्टेटस में ऐसे शो कर रहा है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते, अगर आपके करेंट स्टेटस में ये वाला रीजन शो कर रहा है कि आपके बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप की राशि जो है भेजी जा चुकी है तो आपके बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप की राशि भेजी जा चुकी है, ठीक है। हो सकता है कि 31 मार्च से पहले आया हो, ओके, ठीक है, और बीच में जैसे 17 तारीख को स्कॉलरशिप भेजा गया है तो हो सकता है कि 17 मई को भी स्कॉलरशिप की जो राशि भेजी गई है वो शो करे। तो आपको हम बता दें यहाँ पे जिन भी छात्रों के करेंट स्टेटस में ये वाला शो कर रहा है तो उनकी स्कॉलरशिप जो है DW की तरफ से भेजी जा चुकी है। बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे करेंट स्टेटस में तो स्कॉलरशिप का अमाउंट शो कर रहा है कि आपकी स्कॉलरशिप जो है भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी तक जो है मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आई है, उसका रीजन क्या है, आएगी या फिर नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे भेजे जाने का मतलब है, इसका मतलब यह है कि आपके बैंक अकाउंट में मतलब समाज कल्याण विभाग के द्वारा स्कॉलरशिप भेजा जा चुका है, अब नहीं आया है तो उसका रीजन क्या हो सकता है। देखिए मैंने आपको और बार बार यही कहा है कि इस बार जो है स्कॉलरशिप जो डिस्ट्रीब्यूट है की प्रक्रिया है ये आधार बेस है। ओके, तो आधार के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप की राशि डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 2 अकाउंट है, कहीं मतलब किन्हीं
मतलब किसी छात्र ने अपना तीन तीन जगह अकाउंट खुलवाया हुआ है, ओके। अब बच्चे क्या कर रहे हैं कि अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय जो अकाउंट नंबर दिया था वो लोग उसी के भरोसे बैठे हुए हैं कि हमने जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय अकाउंट नंबर दिया था उसी में हमारी स्कॉलरशिप आएगी। तो फ्रेंड ये मतलब धारणा गलत है, इस बार ऐसा नहीं है, पहले ऐसा होता था लेकिन इस बार नहीं है। इस बार अगर आपके पास दो अकाउंट है या फिर तीन अकाउंट है तो आपको तीनों को चेक कर लेना और उसको उन तीनों को मेंटेन भी करना है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब आपका जो एक अकाउंट चालू है दो अकाउंट बंद है या फिर एक अकाउंट चालू है एक अकाउंट बंद है, तो आपके पास जितने भी अकाउंट है आपने अगर खुलवाया हुआ है खाता खुलवाया हुआ है तो उसको आपको मेंटेन करना है, उसमें मतलब उसको चालू रखना है, उसका मतलब उस अकाउंट से पैसे का लेन देन होना चाहिए आपने जहां जहां भी खाता खुलवाया हुआ है, ओके। तो आपको तो पहले ये काम कर लेना है कि आपने जहां जहां अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है वहां पे जाके अपना बैंक स्टेटमेंट चेक कर लेना है कि हो सकता है कि उसमें आया होगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे रीजन क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अकाउंट जो है क्लोज होता है किसी कारणवश केवाईसी अपडेट ना होने की वजह से उनका जो है खाता बंद कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो समाज कल्याण अधिकारी द्वारा है मतलब बच्चों का तो स्कॉलरशिप भेजा गया है, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भेजा गया है, ओके। लेकिन अगर आपका अकाउंट क्लोज रहेगा तो यहाँ पे आने वाले समय में, ठीक है, एक हफ्ते दो हफ्ते के अंदर यहाँ पे ट्रांजेक्शन फेल्ड वाला रीजन शो करेगा। अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया है तो इस बार आपकी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे इसका रीजन ये है कि आप मतलब समाज कल्याण विभाग के द्वारा स्कॉलरशिप भेजा जा चुका है और आप लोग जाके अपना स्टेटमेंट चेक कीजिए, ओके। लेकिन देखिए अभी आपके पास मौका है, अगर स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है और यहाँ पे करेंट स्टेटस में रीजन शो कर रहा है कि हाँ स्कॉलरशिप भेजी जा चुकी है, तो आपके पास जितने अकाउंट हैं अगर कोई भी अकाउंट क्लोज हो चुका होगा तो उसको आप लोग चालू करा लीजिए, पैसे का लेन देन करा लीजिए, ओके। और यहाँ पे अगर ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया तो आपके पास कोई भी मौका नहीं है, कोई भी इसको सही नहीं करा सकता है। और बहुत सारे इसके पहले बहुत सारे बच्चों का ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ है अकाउंट क्लोज होने की वजह से, ठीक है। तो फ्रेंड ये रही कंप्लीट जानकारी उन छात्रों के लिए जिनके करेंट स्टेटस में स्कॉलरशिप का अमाउंट जो है शो कर रहा है, ओके। अब फ्रेंड अब मेरे पास एक और स्टेटस है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 15/5/2023 के डेट में आपको हम दिखा रहे हैं इनके करेंट स्टेटस में वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी करके शो हो रहा था, ठीक है। लेकिन आज के डेट में आपको हम दिखा दे रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कि 20/5/2023 यानी आज का डेट है और आज के डेट में भी इनका जो करेंट स्टेटस है वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो कर रहा है। तो यहाँ पे सवाल उठता है क्या जिनका वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी करके शो हो रहा है क्या उनकी स्कॉलरशिप आएगी या फिर नहीं आएगी, और मेरा मतलब इनका स्टेट कब तक अपडेट होगा। देखिए जिनकी स्कॉलरशिप आनी थी आ चुकी है, बहुत मतलब बहुत कम उम्मीद है कि स्कॉलरशिप भेजा है। देखिए जैसे कि 17 मई के डेट में बहुत सारे बच्चों की स्कॉलरशिप भेजी गई है, मतलब उम्मीद बहुत सारे बच्चों ने खो दिया था, उसके बावजूद भी ओबीसी वाले छात्रों की यहाँ पे लगातार मतलब जितने भी छात्र थे उनकी स्कॉलरशिप आई थी जो भी मतलब कटअप को पार किए थे, ओके। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है क्या इनकी स्कॉलरशिप आएगी, देखिए चांस बनता है नहीं बनता है। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है कोई मतलब जैसे नोटिस कोई भी न्यूज नहीं दी थी स्कॉलरशिप भेजाने के लिए, फिर भी 17 मई की डेट में बहुत सारे बच्चों की स्कॉलरशिप आई थी। तो यहाँ पे देखिए हो सकता है आने वाले समय में आपके करेंट स्टेटस में यहाँ पे जो स्टेटस है अपडेट कर दिया जाए, हो सकता है अगर गवर्नमेंट के पास बजट बचा हो तो बजट की राशि भेज दी जाती है। यहाँ पे मतलब 50-50% का चांस बनता है। यहाँ पे दो रीजन शो कर सकते हैं, मतलब फीस एंड स्कॉलरशिप कुड नॉट बी डिसबर्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी वाला फंड, ठीक है ना, यहाँ पे अनअवेलेबिलिटी वाला फंड वाला रीजन शो करता है, या तो गवर्नमेंट के पास बजट होगा तो बजट के अनुसार आपकी स्कॉलरशिप भेजी जाएगी, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। और फ्रेंड यहाँ पे हम बात करेंगे कि इन छात्रों की स्कॉलरशिप इस सत्र 2022-23 में नहीं आने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी छात्र हैं जिनके भी करेंट स्टेटस में स्कॉलरशिप एंड फीस रिब्रसमेंट कुड नॉट बी डिसबर्स्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड वाला रीजन शो कर रहा है, तो उन छात्रों की इस सत्र यानी 22-23 में स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है। जिन छात्रों के करेंट स्टेटस में यहाँ पे रिजेक्ट लिख दिया, किसी भी कारणवश से उनके फॉर्म को समाज कल्याण विभाग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया है, तो उन मतलब उनकी भी स्कॉलरशिप इस सत्र नहीं आने वाली है। बाकी ये लोग उम्मीद अपना छोड़ दें, बाकी जो भी जिनके भी करेंट स्टेटस में वेरीफाई वाला शो करत उनके पास 50% का मौका है, अगर गवर्नमेंट के पास बजट है तो स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर नहीं है तो आपके भी करेंट स्टेटस में ये वाला रीजन शो करेगा, ठीक है। तो इस सत्र जिनके भी करेंट स्टेटस में रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी या फिर स्कॉलरशिप एंड फीस रिब्रेसमेंट कुड नॉट बी डिसबर्स ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड वाला रीजन शो कर रहा है, उनके पास इस बार कोई भी मौका नहीं है, 0% का मतलब
मान के चले कि 100% का यही मतलब उम्मीद है कि इनकी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली, क्योंकि जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट होता है उनकी स्कॉलरशिप नहीं आती है, ठीक है। बाकी इसके अलावा जितने भी छात्र हैं उनकी स्कॉलरशिप आ चुकी है, जिनके में वेरीफाई नहीं है उनकी आने की उम्मीद है, या फिर उनके भी करेंट स्टेटस अपडेट होंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ पे फ्रेंड आपको हमने कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कर दी है। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।